कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ को पब्लिक ने सिरे से नकार दिया है। 20 मई को कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 के साथ रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का अभी तक भी इंतजार ही है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की फिल्म ने हाउसफुल का भी बोर्ड दिखा दिया है। फिल्म के इतनी बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद कंगना के दुश्मनों को एक बार फिर मौका मिल गया है उनको ट्रोल करने का। हालांकि कंगना के फ्रेंड्स उनकी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। कंगना की फिल्म को लेकर लॉकअप कंटेस्टेंट्स और एंटरप्रेन्योर तहसीन पूनावाला ने कंगना की फिल्म को फ्लॉप होने पर जश्न मनाने वालों को फटकार लगा दी है। दरअसल तहसीन ने ट्विटर पर उन लोगों को खरी खोटी सुना दी जो कंगना की फिल्म को फ्लॉप होने पर सेलिब्रेट कर रहे थे। तहसीन ने ट्विटर पर लिखा, हैशटैग कंगना रनौत को उनकी फिल्म धाकड़ के लिए ट्रोल करना बेहद सही नहीं है। हम कंगना रनौत से सहमत हों या ना हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वे आज सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और जोखिम लेने वाली हैं। मोर पावर टू यू कंगना रनौत। तहसीन का ट्वीट पढ़ते ही उनको जवाब देते हुए पत्रकार ने ट्वीट में लिखा, ये मजेदार है, दर्शकों ने खराब फिल्म को खारिज कर दिया जो शो में जीरो साबित हो रही है। सच बोलना ट्रोलिंग है सच में? जिसके जवाब में तहसीन ने कहा, नहीं, लेकिन किसी फिल्म के फ्लॉप होने का जश्न मनाना अच्छा नहीं है। तहसीन के साथ ट्विटर यूजर की इस भिड़ंत में कूदते हुए रिचा ने भी ऐसे ट्वीट को जवाब दिया और लिखा, अलाइनिंग विद पावर इज इजी एंड हैज ऑब्वियस रिवार्ड्स लाइक टैक्स एक्सेप्शंस, अवार्ड्स, स्पेशल स्टेटस, सिक्योरिटी, इवन लिटरली द लेजिस्लेचर प्रमोटिंग अ फिल्म। सो डू यू नॉट नो दैट द रिवर्स ऑल्सो होल्ड्स ट्रू तहसीन? People are expressing dissent in whatever way they can. So chill. जिसके जवाब में तहसीन ने फिर ट्वीट किया, I am chilled. मैंने अभी तक उनकी फिल्म नहीं देखी। हालांकि कंगना रनौत ने मुझे फिल्म के प्रीमियर पर इनवाइट किया था, लेकिन मैं फिर भी फिल्म के बिजनेस के लिए खड़ा रहूंगा। किसी भी फ्लॉप फिल्म को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अगर सरकार गलत करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी करना चाहिए। रिचा ने तहसीन के जवाब में तहसीन को याद दिलाया कि कंगना पिछले साल ड्रग्स मामले के विवाद के बॉलीवुड की कितनी बुराई की थी और सबसे ऊंची आवाज़ उन्हीं की थी। कंगना ने तो फिल्म इंडस्ट्री को गटर तक कह दिया था। रिचा ने इस बात को दोहराते हुए तहसीन के ट्विटर पर लिखा, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से एक कहानी बनाई गई थी कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में सभी बुरे कामों का अड्डा वही है, यहाँ के लोग हत्यारे हैं। इस कहानी की रचना में कई लोगों ने भाग लिया। अब कुछ लोग किसी फिल्म के फ्लॉप होने का जश्न मना रहे हैं, ये सिर्फ इसका ही बुरा परिणाम है। कंगना के साथ फिल्म पंगा करने वाले रिचा ने हालांकि ये भी कहा कि लोगों को किसी की फ्लॉप फिल्म का जश्न नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये मॉरली गलत है, लेकिन वह इस बात से भी इत्तेफाक रखती हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उनका हमें हमारे आने वाले फ्यूचर में परिणाम मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।